सिविल सेवा दिवस के अवसर पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अनेक तोहफे देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर 9 भत्तों की दर बढ़ाने, निशक्त महिला सरकारी कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए नया विशेष भत्ता देना शुरू करने के अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं पुलिस विभागों के लिए अनेक हरियाणा विशिष्ट भत्ते बढ़ाने की घोषणा की है। ये बढ़े हुए भत्ते 1 मई 2018 से प्रभावी होंगे। सातवें वेतन आयोग में भारत सरकार ने जो एक पैरामीटर बनाए थे, उस नाते से हमारी जो वेतन है वो तो सारे प्रदेश के 1 जनवरी 2016 से वो लागू कर दिए थे, लेकिन अलाउंसेस जो हैं वो सामान्यतया प्रदेश अपनी अपनी सुविधा से कोई एक डेट तय करके उनको बढ़ाते हैं। अभी सभी संबंधित जो कर्मचारी संगठन हैं उनसे भी बातचीत की और जो विभाग हैं उनसे भी की, वित्त विभाग से भी बातचीत की है, तो उस बातचीत में से ये ऐसा ध्यान में आया है कि 13 बिंदु ऐसे हैं जिनके अलाउंसेस का एक प्रकार से पुनर्निर्धारण ये होना है। तो इसमें सबसे पहला एक है एचआरए के संबंध में हमारे वित्त विभाग ने भी कहा है कि इसको कब से लागू करना है, कितना बढ़ाना है, इसके लिए कमेटी बनाई जाए ताकि संबंधित लोगों से विचार करके इसको किया जाए। तो इस नाते से उसकी तो एक कमेटी बना करके और जल्दी वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि इसको कब से लागू करना है और कितना लागू करना है। लेकिन बाकी जो 12 पॉइंट हैं उन 12 बिंदुओं पर, जिसमें स्पेशल अलाउंसेस फॉर सफाई कर्मचारी, स्वीपर्स, फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस फॉर हैंडीकैप्ड, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, एनपीए डॉक्टर्स, यूनिफॉर्म एंड वॉशिंग अलाउंस फॉर ग्रुप डी, 8वां है हिल कंपनसेटरी अलाउंस, 9वां है स्पेशल अलाउंसेज फॉर चाइल्ड केयर टू फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटी, 10वां है साइकिल अलाउंस, 11वां है डिपार्टमेंट स्पेसिफिक अलाउंस टू द पुलिस डिपार्टमेंट और 12वां है डिपार्टमेंट स्पेसिफिक अलाउंस टू द हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ऐसे 12 जो और बचे हुए ये अलाउंसेज हैं इनको 1 मई 2018 से जो केंद्र सरकार की ओर से जो सुझाव दिए गए हैं वो सारे के सारे एज इट इज मान करके 1 मई 2018 से इसको लागू किया जाएगा।